वैसे तो कहते हैं कि द्वापर युग की कृष्ण नगरी द्वारका पानी में समा गई थी और आज भी समुद्र में उसके अवशेष पाए जाते हैं। दरअसल भारत के गुजरात प्रांत में कैम्बे की खाड़ी में प्राचीन द्वारका शहर के अस्तित्व मिले हैं। इस तरह की अनदेखी अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका है। ये भारत के 7 अति प्राचीन शहरों में से एक है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक शहर है जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा है और ये पानी में समा गया था, जिसका नाम था एटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि ये शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र इसे निगल गया। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। एक पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और इतिहासकार उसे आज तक खोजने में लगे हैं। यह है ग्रीक सभ्यता का शहर एटलांटिस। इसे एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। माना जाता है कि एटलांटिक महासागर में एटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का स्वार्थिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर के पूरे यूरोप का केंद्र भी माना जाता है। क्या ये सच में अटलांटिक महासागर में दफन है? समय समय पर इतिहासकार दावा करते रहे हैं कि ये शहर अब भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है और इसके सबूत मिलते रहे हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स बर्लिटज ने भी अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इसके बारे में जिक्र किया है और काफी सबूत भी बताए हैं। इसके गायब होने पर बरमुंडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमय बताया गया है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि वो एक ना एक दिन इस शहर को खोज ही लेंगे। आखिर क्या है इस शहर की हकीकत? अब तक एटलांटिस शहर का अस्तित्व दार्शनिक प्लेटो की कल्पना ही माना जाता है। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल पर नहीं खोजा जा सका। इसका क्षेत्रफल पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसे में यहाँ असंभव है कि इतना बड़ा क्षेत्र ओशियाग्राफी की आधुनिक तकनीकों जैसे कि पनडुब्बियां और गहन खोज के बावजूद भी वैज्ञानिक इसे आज तक खोज नहीं पाए और उनकी नजरों से आज तक ये बचा रह गया। प्लेटो की कहानी भी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में इसके होने का दावा करती है, वहां इतनी बड़ी जगह है ही नहीं जिसमें यह विशाल शहर समा सके। क्या समुद्र पूरे शहर को निगल सकता है? दुनिया भर में इतिहासकार आज तक जानने में लगे हैं आखिर क्या राज है इस शहर का। दुनिया भर के इतिहासकार के आज तक जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए शहर एटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हो तो हमें कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।